आईपीएल का छठा मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेला गया, और इस मुकाबले के अंदर कुछ खास बड़ा स्कोर तो बैंगलोर नहीं दे पाई थी, लेकिन उस बड़े स्कोर की अगर बात करें तो वो 152 का था, और इस स्कोर को चेज करने में नाकाम रही दूसरी टीम यानी एसआरएच। हम बात करें तो एसआरएच का कोई भी धुरंधर कुछ कमाल नहीं दिखा पाया। यहाँ पर एक ही खिलाड़ी था, अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम के लिए कप्तानी पारी खेली, और उनकी कप्तानी पारी से उन्होंने 54 रन जोड़े। हालांकि मनीष पांडे ने भी काफ़ी कुछ हिम्मत करी, लेकिन उन्होंने बॉलें ज़्यादा खेल ली जिस वजह से आखिर में राशिद और भुवनेश्वर कुमार के ऊपर काफ़ी सारी टेंशन आकर टिप गई थी। अगर बात करें आखिरी ओवर की, तो आखिरी ओवर की पहली गेंद जो थी वो हर्षल पटेल ने कराई थी भुवनेश्वर कुमार को, और यहाँ पर एक रन चुरा लिया गया। वहीं ये काफ़ी अच्छी बॉल थी, यॉर्कर थी, और जिसे शॉर्ट फाइन लेग पर एक सिंगल के लिए उछाल दिया गया। वहीं दूसरी बॉल जो है राशिद खान को कराई गई, 2 रन निकले, और इसके बाद ये जो थी ये फुल टॉस थी और स्क्वायर लेग में इसे मारा गया था, और उसके बाद 4 बॉलों पर 13 रन की ज़रूरत थी। वहीं हर्षल पटेल ने फिर राशिद खान को बॉल दी और इस बॉल पर आए 5 रन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये नो बॉल थी और इस पे चौका भी लग गया था। वहीं अब ड्रामा बदल गया था, अब ऐसा लग रहा था कि गेम किसके हाथ जाएगा किसी को समझ नहीं आ रहा था। वहीं हर्षल पटेल ने राशिद खान को फिर एक बॉल कराई जिसके ऊपर कुछ खास रन नहीं आए। अब गेम काफ़ी क्लोज आ चुका था, 3 बॉलों में 8 रन की ज़रूरत थी। तभी चौथी गेंद पर राशिद आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 रन लेने के चक्कर में राशिद रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद एक स्लोअर 1 डालकर राशिद को आउट कर दिया जाता है। वहीं हर्षल पटेल इसके बाद नदीम की विकेट चटका लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सहबाज ये कैच पकड़ते हैं और हर्षल पटेल की बॉल होती है, काफ़ी अच्छी बॉल थी। फिर आखिरी एक बॉल में चाहिए होते हैं रन काफ़ी सारे, तो वो बन नहीं पाते, और आखिरकार भुवनेश्वर कुमार 1 रन से गेम को करते हैं ख़त्म। तो ये था दोस्तों आखिरी ओवर। अगर आपने मैच देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो ये आखिरी ओवर हमें आपको बता ही दिया है। पहले तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको मैच लगा कैसा। हालांकि बाकी आईपीएल मैचेस से काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला मैच था। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि हम और भी अपडेट्स आपके लिए लेकर आए सबसे पहले।